नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज अपन बात करने वाले हैं बेक्सोल टेबलेट के बारे में। बेक्सोल टेबलेट को मशहूर कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, जिसकी जो प्राइस है वो है ₹15.12 पर स्ट्रिप। इसमें जो कंटेंट डाला गया है वो है ट्राईहेक्सीफेनिडिल हाइड्रोक्लोराइड 2 mg। इसका यूज आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। बेक्सोल टेबलेट एक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है, जिसका यूज पार्किंसंस डिजीज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समस्याओं के इलाज में किया जाता है। इनके साथ ही इसे ड्रग इंड्यूस्ड एक्स्ट्रा पायरामिडाइल सिम्टम यानी किसी दूसरी दवाई, या यूं कहें कि अगर कोई एंटी साइकोटिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं और उसके कारण आपको असामान्य मूवमेंट जैसे साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं, तो उसके इलाज में इसका यूज किया जाता है। ये टेबलेट आपकी बॉडी को सामान्य कंडीशन में वापस लाने में आपकी हेल्प करती है। और बात करें पार्किंसंस डिजीज की, तो ये मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी है, या यूं कहें कि एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का विकार है। इसमें आपकी मांसपेशियों में जकड़न रहती है, जिससे खड़े होने और चलने में परेशानी आती है। पार्किंसंस डिजीज ट्रेमर और बैलेंस के नुकसान का कारण भी होता है। तब ऐसे में ये टेबलेट अकड़ी हुई मांसपेशियों को आराम देती है और बैलेंस खोए बिना मूवमेंट को आसान बनाने में आपकी मदद करती है। ये आपके ब्रेन में एसिटाइलकोलिन नाम के केमिकल मैसेंजर की एक्टिविटी को कम कर देती है और कुछ दवाओं के कारण होने वाले मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे रेस्टलेसनेस और इनवॉलेंट्री मूवमेंट या मसल स्पास्म को सुधार करते हैं। मूवमेंट डिसऑर्डर का मतलब है कि अगर आपका कोई बॉडी पार्ट है वो अपने आप कंपन करने लग जाता है, या आपकी पूरी बॉडी अपने आप हिलने लग जाती है। ये कंपन बहुत तेज या धीरे भी हो सकता है, जो कि ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में देखी जाने वाली समस्या है। तब ऐसी प्रॉब्लम में ये टेबलेट काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओवरऑल देखा जाए तो ब्रेन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या है और बॉडी में मूवमेंट डिसऑर्डर हो रहा है, तब ऐसे में डॉक्टर्स आपको ये टेबलेट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जहां इसके काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जान लेते हैं इस टेबलेट के सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको हार्ट के संबंधी कोई भी समस्या है, यूरिन डिस्चार्ज भी करने में अगर कोई प्रॉब्लम्स रहती है, लीवर या किडनी डिजीज है, या फिर आप प्रेग्नेंट लेडी या ब्रेस्टफीडिंग मदर है, तब ऐसी सभी कंडीशंस में इस टेबलेट का यूज करने से पहले आप डॉक्टर्स को अपनी कंडीशंस के बारे में जरूर बताएं, उसके बाद आप इसका यूज करें। डोज की अगर हम बात करें तो इसे एक दिन में 1 से 2 बार टेबलेट मतलब आपको लेने के कहा जाता है। सबसे पहले आपको एक टेबलेट लेने कहा जाता है और अगर आपकी कंडीशन ज्यादा खराब है तो आपको एक दिन में 2 टेबलेट भी आपको लेने की कहा जाता है सुबह शाम। धीरे धीरे करके इसकी जो मात्रा है वो बढ़ी जाती है, या फिर जैसे आपको डॉक्टर ने बताया वैसे आप इसका यूज कर लें। बात कर लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके जो कॉमन साइड आपको नजर आ सकते हैं वो है कब्ज रहना, भूख की कमी होना, पेट दर्द होना, धुंधला दिखना और पेशाब करने में कठिनाई आपको हो सकती है। वैसे साइड इफेक्ट टाइम लेते हैं, कुछ टाइम बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको इनके अलावा कोई भी अदर कंडीशन क्रिएट हो या फिर यही साइड इफेक्ट लंबे तक बने रहते हैं, तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करके तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।